नमस्कार दोस्तों, द कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दामे। आज हम सीखेंगे सॉलिड वर्क के अंदर में 3D स्केच कैसे किया जाता है। उससे पहले, इसके शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि मेरा चैनल बंद हो गया था। YouTube की तरफ से मेल आया कि आपका चैनल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्यों कर दिया गया है इसका नहीं पता। तो मैंने अपना चैनल फिर से शुरू किया है, बिल्कुल शुरू से, और कल मैंने वापस वही 4 वीडियो जो मेरे पास पहले पड़ी हुई थी वो डाली हैं। पांचवी वीडियो इसलिए नहीं डाली जिसकी वजह से मेरा चैनल बंद हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है। तो उन बातों को छोड़ते हैं, अब जब शुरू कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। 3D स्केच के लिए हमें स्केच पर जाएंगे और यहाँ से लेंगे 3D स्केच। 3D स्केच को ज़्यादातर हम ट्राइमेट्रिक व्यू में बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लाइन लेते हैं, देखते हैं किस तरह से काम करता है। जब भी हमने लाइन लिया या फिर कोई भी कमांड लेंगे तो हमारे हाथ में एक्स और वाई दिखाई देगा। पेंसिल के नीचे एक्स और वाई दिखाई दे रहा है। हम कोई भी कमांड लेंगे हमारे पेंसिल पे एक्स और वाई दिखाई देगा। रेक्टेंगल या तो भी दिखाई दे रहा है और आर्क ली तो भी दिखाई देगा। तो इस एक्स और वाई का क्या मतलब है ये समझते हैं। हमारे यहाँ पर यानी कि ट्राइमेट्रिक व्यू पे जब हम जाकर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। अभी मैं जो ड्रॉ करूँगा वो केवल एक्स और वाई कंडीशन यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मेरे को जेड डायरेक्शन में ड्रॉ करना है तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा टैब बटन। जैसे ही मैंने टैब को क्लिक किया तो यहाँ पर चेंज हो गया वाई जेड। मैं फिर से प्रेस करता हूँ टैब तो यहाँ पे चेंज हो गया एक्स जेड, यानी कि अब मैं एक्स और जेड डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे क्लिक किया और इधर मैं आ गया। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होता, उसकी जगह पे आपके होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो अभी ये लाइन जो जा रही है वो एक्स डायरेक्शन जा रही है और यहाँ पे आपको दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं यानी कि रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहला रिलेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन का सिंबल है और दूसरा कॉन्सिडेंट यानी कि ओरिजिन से होकर के जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्स पे, उसके बाद मैंने ऊपर क्लिक किया यानी कि ऊपर की तरफ गया तो ये वाई डायरेक्शन शो हो रही है। उसके बाद मैं फिर से एक्स पे गया, अब मेरे को जेड डायरेक्शन में इधर जाना है। अगर मैं इस कंडीशन में अगर मैं सिंपली लाइन खींच देता हूँ तो आपको लगेगा कि ये जेड डायरेक्शन है लेकिन ये जेड नहीं है। और इसको मैं स्किप करके और आपको रोटेट करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या था, यानी कि ये था एक धोखा। ये हमें लग रहा है कि हम जेड डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं पर वो नहीं हुआ, यानी कि धोखा हो गया हमारे साथ में। तो हमें धोखे से बचना है, हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं ट्राइमेट्रिक व्यू पे और लाइन लेते हैं फिर से। हम एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ किया, फिर वाई में, फिर से एक्स में। अब जेड के लिए हम यहाँ से प्रेस करेंगे टैब बटन को प्रेस करने के बाद हमारे हाथ में आ गया वाई और जेड, यानी कि अब हम वाई जेड डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से जेड डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को एक्स में करना है तो मैंने फिर से टैब को प्रेस किया तो अब हमारे हाथ में आ गया एक्स और जेड और एक्स आ गया। इस पर क्लिक किया फिर मैं इधर जेड पर आ गया। अब मेरे को वाई पे जाना है तो टैब किया, एक्स और वाई आ गया और मैंने यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके छोड़ दिया। उसके बाद में अब इसको घुमा के देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल ये 3D स्केच है। वापस हम आ गए ट्राइमेट्रिक पे और इसकी डायमेंशन फिल कर लेते हैं। तो पहला लाइन जो है उसको मैंने 100 मान लिया, दूसरी लाइन को मैंने मान लिया 50, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने 60 डाल दी है और उससे आगे चलेंगे इसको मैंने 100 माना। इससे आगे जाने के बाद में इसको मैंने 110 और यहाँ भी इसको 100, ऊपर वाली लाइन को 95 मान के चलाऊंगा। तो इस तरह से हमारा ये 3D स्केच लाइन से बन गया। अब यहाँ पे मैं सभी कोनों पे फ्लिट और चैम्फर लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले फ्लिट लगा के देखते हैं। फ्लिट, मैं इन 3 कॉर्नर पे फ्लिट लगाता हूँ। 10-10 का फ्लिट हो गया, 10 की जगह मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20 का फ्लिट और ओके। तो यहाँ फ्लिट लग गया। अब बची कुची ये 2 जगह पर मैं चैम्फर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने चैम्फर लगा दिया इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से और 10-10 दूरी का चैम्फर मैं लगाना चाहता हूँ। इस लाइन के और इस लाइन के बीच में 10 का चैम्फर और इस लाइन के और इस लाइन के बीच में फिर से 10 का चैम्फर लगा दिया। तो
तो फिलेट और चैम्फर भी हमने 3D स्केच में लगाना सीख लिया है। तो ये था सिंपल आइसोमेट्रिक यानी ट्राइमेट्रिक के अंदर में स्केच करना 3D। अब आ जाते हैं कि हम 3D स्केच के अंदर प्लेन को यूज करके कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया, एक नया स्केच लेते हैं, न्यू फाइल ही ले लेते हैं, स्केच 3D स्केच। और सबसे पहले मुझे फ्रंट प्लेन पर स्केच करना है, यानी कि मैं 3D में हूँ लेकिन फ्रंट प्लेन पर स्केच करना है। तो मैं फ्रंट प्लेन पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हमारा फ्रंट प्लेन एक्टिवेट हो गया। यानी कि अब हम बिल्कुल 2D के जैसे काम कर सकते हैं, हम हैं तो 3D स्केच में लेकिन 2D के जैसे काम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको वैसे ही पुराना नॉर्मल कर लिया, और नॉर्मल करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जिससे कि इक्वल हो जाए। उसके बाद मैंने इस लाइन पे सेलेक्ट किया और इसकी डायमेंशन फिल कर दी 300 फिल करने के बाद में ये देखिए इधर भाग गया। अब ये मेरे को वाई डायरेक्शन में रखना है, यानी कि अगर हम 2D की बात करें तो ये मेरे को वर्टिकल रखना है। लेकिन अभी इस कंडीशन में जाएं तो यहाँ पे हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमें वर्टिकल यानी कि पुराने 2D वाले रिलेशन दिखाई देने लगे, तो इसको मैंने वर्टिकल कर लिया। और यहाँ मैं इसकी डायमेंशन भी फिल करूँगा जो कि यहाँ से यहाँ तक की होगी 80। उसके बाद मैं इसके कोनों पर फ्लिट लगाता हूँ 12.5 का, दोनों कोनों पर 12.5 का फ्लिट, यस और यस, ओके। तो इस तरह की चीज़ मैंने एक बना ली है। अब मेरे को ऊपर जाना है यहाँ से आगे, और फिर से मैं इसकी डायमेंशन डाल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन होगी 150। और फ्लिट कर देता हूँ इस लाइन के और इस लाइन के बीच में 25 का फ्लिट, अच्छा लगेगा। और मैं इस 2D प्लेन से बाहर निकलना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ खाली जगह पर डबल क्लिक करना होगा। मैं इस प्लेन से बाहर निकल चुका हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं राइट प्लेन पर जाके काम करूँ, राइट प्लेन पर डबल क्लिक किया और इसको फिर से नॉर्मल कर लिया। अब यहाँ पे मैंने टेंजेंट आर्क ली और इधर मैंने टेंजेंट आर्क इस तरह से बना ली। मैंने यहाँ से सेंटर लाइन ली और इसके सेंटर पकड़ के इधर आ गया और एक सेंटर पकड़ के इस पॉइंट पर रख लिया। यहाँ मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ 45 डिग्री, और इस रेडियस को भी बता देता हूँ ये कितने की रेडियस हो गई। सपोज ये 50 की रेडियस हो गई, या 50 की तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, 30 कर लेते हैं इसको, 30 अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ से बाहर निकला और आपका 3D स्केच कंप्लीट हो गया। 3D स्केच कंप्लीट हो गया, लेकिन 30 की आर तो अभी भी ज़्यादा लग रही है, इसको मैंने कम कर लिया, इसको 15 रखते हैं। 15 एकदम सही लग रही है, तो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे आपने दो 3D स्केच देख लिए हैं, अब हम एक 3D स्केच और देखते हैं। इसको मिनिमाइज कर दिया फिर से मैंने और यहाँ पर आ गए। अब सपोज हम एक झोपड़ी बना के देखते हैं 2D, मतलब 3D वायर फ्रेम से। 3D स्केच लिया और ट्राइमेट्रिक में ही रहेंगे, यहाँ से लाइन ली, ओरिजन से इधर आ गए एक्स, और ऊपर गए वाई, फिर इधर आए और फिर यहाँ, और ओरिजिन पे जाके मिला दिया। अब ये लाइन हमारी सीधी नहीं है, बाकी तो सही है। इस लाइन पे क्लिक किया, इसको हमने कर दिया वाई, मेक अलोंग वाई, और ये दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो अब हम बराबर हो गए कुछ हद तक, मज़ा आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इक्वल कर दिया, अभी तो ठीक है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल करना था, इक्वल तो कर दिया था, लेकिन कहाँ गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ है, तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया। वापिस हम आ गए अपने ट्राइमेट्रिक पे, और ट्राइमेट्रिक की जगह आसान रहेगा कि मैं फ्रंट प्लेन पर डबल क्लिक कर लूं और इसको नॉर्मल करके अपना लाइन के हिसाब से बना लेते हैं। इसको यहाँ आ गए और यहाँ आ गए, राइट क्लिक सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट किया इक्वल, ऊपर वाली लाइनों को भी कर दिया इक्वल,
डायमेंशन फिल कर लेते हैं, ये हो गया सपोज 100, हाइट हो गई सपोज 120, ज़्यादा है 100 ही रखते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक, डबल क्लिक बाहर। अब क्या करेंगे कि मेरे को इसका दूसरा हिस्सा बनाना है, तो मैंने यहाँ से प्लेन लेना है और फ्रंट प्लेन से कुछ दूरी यानी कि 150 दूरी, ये थोड़ा आगे आ रहा है, इसको मेरे को पीछे लेके जाना था, यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं इसको। ओके, अब हमारे पास एक और प्लेन आ गया है, यानी कि ये प्लेन भी हमने सीख लिया, अभी तक ये प्लेन नहीं सीखा था और हमने कन्वर्ट एंटिटी भी नहीं सीखा था, तो वो भी सीख लेते हैं। अब हमने यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी लिया, इस स्केच को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, लाइन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने कर दिया ओके, तो उस प्लेन पर ये जाके कॉपी हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से लाइन ली और अब उस प्लेन को छोड़ना पड़ेगा तभी लाइन काम करेगी। डबल क्लिक किया खाली जगह पे और यहाँ से हमने लाइन ली, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को फिर इस पॉइंट से मिला दिया। तो अभी यहाँ पर डायमेंशन दिखाई दे रही है, यहाँ लाइन नहीं है, इसने हमें धोखा दिया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। अभी कुछ लाइनें नीली दिखाई दे रही है, हमें काला करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, इस लाइन को हम अलोंग जेड कर देते हैं, इस लाइन पे क्लिक किया अलोंग जेड कर दिया तो ब्लैक हो जाएगी, ऐसे ही इस लाइन पे क्लिक किया अलोंग जेड कर दिया तो ब्लैक हो जाएगी, अलोंग जेड, अलोंग जेड और सब कुछ ब्लैक हो गया, है ना आसान। अब इसका दरवाज़ा बनाते हैं और दरवाज़ा बनाने के लिए यहाँ पे लाइन लिए और हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर थोड़ा सा इधर आए वापस नीचे आ गए, बन गया दरवाज़ा। इसकी भी डायमेंशन दे देते हैं, यहाँ से इसकी डायमेंशन होगी 30, हाइट हो गई 50 और इस दीवार से इस दीवार के बीच की दूरी हो गई कितनी करें 100 - 30 और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, जो कुछ भी आएगा बटे में 2 तो 35 यानी कि दोनों तरफ इक्वल हो गया, अच्छा है। यहाँ से हमने स्केच से बाहर और हमने बना लिया 2D स्केच।